आज की इस वीडियो में हम गेट 2011 में क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम मोमेंटम के लिए जो हमारा ऑपरेटर है वो पूछा गया था। और जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो की थंबनेल है उस पर भी दिख गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन था गेट 2011 का। गेट 2011 अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके साथ आपको और भी ऑपरेटर बताएंगे कौन से क्या ऑपरेटर होते हैं। क्वेश्चन है द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम। हमें जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है पार्टिकल के लिए, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के लिए मोमेंटम फॉर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन वन डी के लिए। अब देखिए जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो होता है एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं आयोटा नीचे, हम जानते हैं आयोटा जो नीचे नहीं रहना चाहिए, तो आप इसको जब ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस एच क्रॉस आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स। ये हमारा है मोमेंटम ऑपरेटर। अब देखिए इसके साथ आपको जो हमारा एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है वो देखिए। मोमेंटम ऑपरेटर ये हो गया, उसके बाद देखिए जो हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है, एनर्जी ऑपरेटर वो होता है एच क्रॉस अपॉन नहीं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर है। इसमें जो नीचे है डी डेल अपॉन डेल एक्स होता है, इसमें डेल अपॉन डेल टी होता है, ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर है। उसके बाद जो हमारा हम एच ऑपरेटर होता है वो होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, क्योंकि हम जानते हैं ईसाई इक्वल्स टू क्या होता है एच आई। तो हर्मिशियन जो हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का ऑपरेटर होता है ई इक्वल्स टू आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा एच ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद देखिए जो हमारा ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास है माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए हो गया। इसको ही हम लिख सकते हैं एनर्जी के लिए एनर्जी ऑपरेटर, क्योंकि जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है उसमें हम जानते हैं इधर इज़ोटर्म है, इधर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी आती है वो होती है ये है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये कुछ आपके पास ऑपरेटर है, तो एनर्जी है वो इतनी है। अब देखिए जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो आयोटा एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स, या इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। उसके बाद हमारा एनर्जी ऑपरेटर होता है वही हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा टी। इसमें आपको ये याद रखना डेल अपॉन डेल्टा टी होता है लेकिन इसमें डेल एक्स होता है। उसी तरह जो हमारी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी है तो उसमें माइनस एच कट स्क्वायर टू हाफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ ऑपरेटर थे। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था केवल मोमेंटम ऑपरेटर, तो देखिए जो हमारे ऑप्शन है वो क्या क्या है। ऑप्शन ए है आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डी अपॉन डी टी। ऑप्शन बी है हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल डी अपॉन डी एक्स। ऑप्शन सी है हमारे पास आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल्टा टी। ऑप्शन सी है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा ऑपरेटर है, और ये हमारे पास एनर्जी का हो गया। ये बात करें एच हैमिल्टनियन, ये हमारा एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं है। तो हमारा ये ऑपरेटर है
ये है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।